सर क्या कहना चाहेंगे, आज दिवाली मिलन समारोह खेलने जाने की तरफ से रखा गया है, DPIF और फैशन शो के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले सभी चैनलों के दर्शकों को मेरा नमस्कार, हैप्पी दिवाली और नए साल की मुबारक। इस समय जो ये समारोह किया है जाना जी ने, ये कोई आसान काम नहीं है। जो दादा साहब फाल्के ये अवार्ड कर रहे हैं और फैशन शो जो कर रहे हैं, एक दिन में आदमी एक काम नहीं कर पाता है, और ये 6 घंटे में 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब लोगों के बस की नहीं होता है, और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, जान पहचान चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। जो कॉन्सेप्ट ये लोग बना रहे हैं, मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और ये अवार्ड सबके बस की नहीं है देना। अवार्ड हमने भी किया है, हमने भी देखा है और बहुत अवार्ड देखे हुए हैं। सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि जाना जी का सपोर्ट करें, साथ दें। कुछ चीज़ें हैं मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि उसको इग्नोर किया जाए। हाथी होता है, हाथी चलता रहता है और लोग बोलते रहते हैं, मैं वैसा शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। और जाना जैसी शक्ति जो ना गॉड 1-2 लोगों में ही देता है इंडिया में, कि बहुत कम लोग ऐसा प्रोग्राम कर पाते हैं। और मैं दुआ करता हूँ, मैं ताउम्र इनसे जुड़ा रहूँगा, जब बुला लें और जब जैसे ये लोग जोड़ना चाहें, जैसे मुझे जोड़ना चाहें, उस तरीके से मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भजन, आप आज दिवाली में समारोह, आप सबको और यहाँ पे जितने भी हैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और कल्याण जी भी जो सब बहुत दिनों से इसको प्लान कर रहे हैं, DPIF को जो दादा साहब फाल्के बहुत पुराना अवार्ड है, उसको 3रा साल यहाँ इस बार हो रहा है, तो बस सब शुभकामनाएं हैं आप सभी के। मैडम आप बताइए, आप कैसे जुड़ी हैं और आज दिवाली मिलन समारोह क्या कहेंगे दर्शकों से और कल्याण जाने के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये संस्था से एज एडिटर जुड़ी हूँ और सब मैनेजमेंट और वो सब करती हूँ मैं, और अवार्ड शो का अच्छा ही होगा। आपको कैसा लग रहा है, आपको मालूम होगी अंदर की अवार्ड शो कैसा होने वाला है? कल्याण जी सर तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प भी कर रही हूँ साइड बाय साइड थोड़ा बहुत। थैंक यू, उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन प्रभु राम अयोध्या में पधारे थे और इसके लिए विजय रूप में हम लोग मनाते हैं, और आज दिवाली के रूप में हम लोग दिया जला के इस शुभ दिन को मनाया जाता है। और इसके लिए आप तमाम लोगों को और जो भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत दिवाली का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशाल जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड आने वाला है, क्या कहना चाहिए? 2021 का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, क्या कहना चाहिए? एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को नाम दिया, द फादर ऑफ बॉलीवुड, दादा साहब फाल्के, और उनके नाम पे अगर कोई अवार्ड होता है तो सबसे पहले वो अवार्ड बड़ा हो जाता है। और कल्याण जी की सोच कि दादा साहब फाल्के के नाम से जो डेली बेसिस एक्टर्स लोग हैं उनके लिए कॉलोनी होनी चाहिए, और दादा साहब फाल्के के नाम पे एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बनना चाहिए, चौराहा बनना चाहिए, मैं कल्याण जी आनंद को मैं नमन करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि इतनी बड़ी सोच वो व्यक्ति रखता है। मैं आज आप लोगों के मीडिया के सामने खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं कल्याण को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं इनको उस समय देखा हूँ जिस समय एक टाइम का खाने का भी दिक्कत था इनको, और ये किस प्रकार से अपने जीवन को इतने मेहनत करके, कोरियोग्राफी करके, लोगों के दिल में जगह बना के, गरीबों का एक्टर कहला के, आज अमीरों का एक्टर इनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि
क्योंकि दादा साहब फाल्के का प्रतिमा लगाने का अगर किसी ने सोच पुरुषोत्तम पुरुषम्बर और पाले जी के पास और सांसद गोपाल सेठी जी के पास पत्र के माध्यम से, और जो आने वाले दिन में 15 फीट का जो मूर्ति लगने वाला है, एक लोखंड वाला में दूसरा बांद्रा में, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इनका काम भी जो है इस प्रकार से, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जिस वन डे डेली बेसिस वर्कर जो अनाज के लिए मजबूर थे, उनको अपना पहचान ना फोटो खिंचा के ना ही किसी प्रकार का, मैं ये कहते हैं मुझे किसी प्रकार का शर्म नहीं है, कल्याण जी ने मुझे फोन में कहा, मैं पुणे में था, कि ऐसा ऐसा दिक्कत है क्या कर सकते हैं, हम बोले ये रहा तुम जिसको देना है अपने हिसाब से दे दो। तो कल्याण जी ऐसा आदमी है कि जो आदमी, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सर्वाइव किया है कोरोना काल में, और हमारे बहुत से मित्र हमारे भाई हम लोग के बीच में नहीं रहे कोरोना काल में, मैं उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कल्याण जी ने कोरोना काल को देखते हुए लोगों को अपनी पहचान ना बता के धीरे से उनके घर तक अगर अनाज पहुंचाने का काम किया है, तो वो कल्याण जी किया है, इसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल्याण जी क्या कहना चाहेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड होने जा रहा है और दिवाली की दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, मेरे साथ बॉलीवुड अड्डा, थैंक यू सो मच फॉर मुंडे, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर फोटोग्राफर, थैंक यू सो मच। साथ में मेरे हैदर भाई, दो किशन है हमारे पास आज, एक दो किशन यहाँ पर है, एंड थैंक यू मेरे भाईजान फयाज भाईजान, और साथ में मेरे और एक मेरे भाईजान महेंद्र भाईजान, मोहन नहीं आया है। तो तमाम मीडिया पर्सन को मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी आपके परिवार को दिल से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे DPI की टीम की तरफ से, पूरी हिंदुस्तान के तमाम वासियों की तरफ से, आप सभी मीडिया कर्मचारी को, जो दिवाली है, हार्दिक शुभेच्छा नहीं, बस आपके घर में सुख शांति लाए दिवाली में, आपकी जो मन में कामना है वो पूरा हो, आपकी आपके घर में दिया जले अच्छा से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो दिया फटाका फोड़ मत, आप मिठाई खिला रहे हो, आप नया कपड़ा पहन रहे हो, फटाका फोड़ रहे हो, उससे अच्छा आप किसी घर में अगर सही में अनाज नहीं है, अगर वो दिया नहीं जला पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसके घर में दिया जलाए, उनके घर में अगर अनाज नहीं है तो प्लीज़ उसके घर में अनाज दे, कोई तकलीफ है दूध लेके आने के लिए या दवाई लेके आने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है तो उनके घर में पैसा दीजिए, उनको हेल्प कीजिए, शायद यही आपके लिए दिवाली है, फटाका फोड़ के, नया कपड़ा पहन के, या आप मिठाई बांट कर, वो दिवाली नहीं है। तो मैं इसलिए आज का दिवाली मैं सेलिब्रेशन ये रखा हूँ, जो प्लीज़ आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, अगर वो मजबूर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप उनको हेल्प करें। मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है, जो एक आदमी दो आदमी को हेल्प करें, अगर दो आदमी को हेल्प करेगा तो शायद जो भुखमारी है या जो भी आज के तारीख में जो भी जिनके पास ज़रूरत है, ज़रूरत तो उनको कम से कम जरूरतमंद को पूरा होगा। ये मेरा आज का दिवाली का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, सभी देशवासियों को, आप दो आदमी को हेल्प करें, सिर्फ दो आदमी को आप हेल्प करें, जिनके घर में अनाज नहीं है, जिनके घर में सही में दिया नहीं जल रहा है, आज की तारीख में रो के दिया जला रहा है, तो कम से कम आप हेल्प करोगे तो खुशी से वो दिया जलाएगा, यही हमारा दिवाली है। और हमारे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान विशाल भगत साहब है, मेरे तमाम DPI के टीम मेंबर है, थैंक यू फॉर नेशनल डायरेक्टर हमारे पंडरी जी, हमारे बहुत आदरणीय मेरे मेंटर है वो, एंड थैंक यू सो मच लीगल एडवाइज़र एडवोकेट डॉक्टर शैलेश दुबे जी, मेरे अध्यक्ष वैरू जैन जी, और मेरे टीम के और भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, अरविंद धामेजा जी, अजय जी, और भी सब लोग यहाँ पर, करी मैडम, सभी लोगों ने आज यहाँ पर आए हैं, हमारे तमाम मेरे दीदी आए हैं जो कल उसका काली पूजा है, तो तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। मेरा जो शो है, कमाल खान साहब है, मेरा जो शो है बेसिकली ये शो जो है ये एक सोच को मैं लेके आ रहा हूँ, मेरा कोई अवॉर्ड नहीं है ये, ना कोई फैशन शो है, जो मेरा सोच था, जो मुझे कुछ करना है,
उस सोच को मैं आपके सामने 24th को मैं लेके आ रहा हूँ। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से काफ़ी सारे शो होता है, उन सभी को मैं नमस्ते बोलता हूँ, उन सभी का शो अच्छा हो, प्रभु से मैं महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, रजिस्ट्रेशन है, पीएम है, आईएसओ है, एमएसएमई है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिया हुआ ये एक संस्था है। आज जितने भी हमारे पीछे पड़ा है, मैं इसको कह दूँ ये एक एनजीओ है। दादा साहेब फाल्के जी के नाम का ये पहला एनजीओ है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स डीपीआईएफ एक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो तमाम काम कर रहे हैं जो बाकी दादा साहेब फाल्के वाले नहीं करता है, मैं खोल के बोल रहा हूँ, वो नहीं करता है। जिस तरीके से हमने भंडारा शुरू किया, कोई भी दादा साहेब फाल्के करने वाले भंडारा नहीं किया है। जिस तरीके से हम घर घर तक अनाज लेके गया, जैसे हमारे गुरु ने बोला, ये कोई दादा साहेब फाल्के चलाने वाले नहीं देते हैं। दादा साहेब फाल्के के नाम से साल में दो दो बार अवार्ड शो कर लेते हैं, आदमी साल में एक बार अवार्ड शो करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं एक साल में दो दो अवार्ड शो कर लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के जी के नाम का हम लोग स्टैचू बना रहे हैं बांद्रा में, बैंडिस्टन में। इसके धन्यवाद करता हूँ FWIC के मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान BN तिवारी जी को, मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब को मैं नमन करता हूँ, उत्तर मुंबई के जाने माने सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब को मैं नमन करता हूँ, बांद्रा के जाने माने MLA आशीष शरार जी को। ये तमाम जो लोग ने हमें साथ दिया, उसके साथ साथ में अभी जो मैंने गया, मैं माननीय श्री भारत सरकार कैबिनेट मिनिस्टर फगन सिंह कुलस्ते साहब को, MS बिट्टा साहब को, जिसको जिंदा दिल कहते हैं लोग, मैं नमन करता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, मैं नमन करता हूँ RSS के हम सब के गुरु माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी को, मैं नमन करता हूँ कैलाश चौधरी जी को जो कृषि मंत्री है भारत सरकार में। ये तमाम जितने भी मिनिस्टर हैं उन सभी का आगमन है इस प्रोग्राम में, और इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला साहब को, रामदास अठलवे साहब को जो इस कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे भारत सरकार के, तमाम मिनिस्टर हमारे इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। अगर ये फर्जी होता, अगर ये गलत होता तो क्यों आते ये सब? तो कल्याण जी फर्जी कौन बोल रहा है? कोई नहीं है? मैं फर्जी इसलिए बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोगों ने हमें आवाज उठाया है, वो तमाम मिनिस्टर को फोन किया गया है, मैं मिल के दो दिन आया और फोन चला गया वहां पर। तो मैं इतना खाली बोलना चाहता हूँ, मेरी उड़ान को आप रोक नहीं पाओगे। इन्होंने फोन किया, जो भी फोन किया है, मेरी उड़ान को आप रोक नहीं पाओगे। किसी ने भी किया है जो रुकावट डाल रहा है मेरे काम के पीछे, तो रुकावट तब डालो, लेकिन ये घोड़ा टकबक भागते रहे। कल्याण जी 24 को क्या तैयारी की है आपने, किस तरह का तैयारी चल रहा है? नहीं पहले उसको बोल दो जिसका मैं टॉपिक भी चल रहा था मेरा, वो टकबक जो घोड़ा चल रहा है मेरा, घोड़ा रुकेगा नहीं, ये घोड़ा भागते रहेगा। ना घोड़ा कभी सोता है, ना घोड़ा कभी थकता है, ना घोड़ा कभी रुकता है, घोड़ा तो वो होता है सिर्फ खाली भागते रहता है। जिन्होंने फोन किया उनके ऊपर आपने FIR भी नहीं किया, अगर आप सही कह रहे हैं। नहीं, वो महादेव करेगा, सबसे बड़ा FIR है वो महादेव है, वो ही देखेगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। तो महादेव मेरा देखेगा, अल्लाह देखेगा, गॉड देखेगा, जिसको मैं मानता हूँ उन लोगों को देखेगा। लेकिन 24th को जो प्रोग्राम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म, जो इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो कर रहा हूँ DPIF, मैं DPIF के तमाम टीम मेंबर को मैं नमन करता हूँ जो मुझे साथ खड़े हैं। मैं वीरू जैन को मैं नमन करता हूँ जो मेरे साथ में हर दम खड़ा होते हैं, हमारे अरविंद धमजा जी जो दिल्ली में हर साथ मेरे साथ में वो रहते हैं। मैं खाली इतने बोल दूँ, ये प्रोग्राम इस साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, ये आप लोग रहेंगे, इसका आप लोग सबूत रहोगे आप लोग। इसके अलावा इस साल का सबसे बड़ा जो फैशन शो है, ये हमारी कल्चर को, हमारे टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 28 हमारा स्टेट है,
उन स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा फैशन शो होगा जो 28 स्टेट के कॉस्ट्यूम पहनेंगे मॉडल, और उनके हाथ में होगा भारत का झंडा और उनके लोकगीत को प्रोग्राम होगा। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक फैशन शो है जो पहली बार हिंदुस्तान में होगा। और लिम्का बुक आने वाले हैं, काफी सारे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर हो रहेंगे, इसको हम उसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद एक साथ में 200 आदमी फेसबुक लाइव करेगा, ये भी एक अनोखा होगा। जो एक साथ में 200 आदमी फेसबुक लाइव करेगा, ये भी एक अनोखा होगा, ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। हमारा उस दिन 2 रिकॉर्ड बनने वाला है। और इसके अलावा मैं हमारे सरवन जी आए हैं जो बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, एक एंकर है, थैंक यू सो मच फॉर, हर वक्त मेरे शो में आते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, द वेरी गुड कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, गुड एंकर ऑल्सो। तो तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, आप सभी को, देशवासियों को इतने बोलना चाहता हूँ, आप सभी को हैप्पी दिवाली। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के, उसको मैं नमन करता हूँ, मीडिया को मैं नमन करता हूँ सर झुका के। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी के स्टैचू के लिए जो जो लोग मुझे साथ दे रहे हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, चाहे वो बीएन तिवारी जी हो, मिनिस्टर हो, गोपाल शेट्टी साहब हो, सभी को, क्योंकि इनकी वजह से मेरा हो रहा है, मैं कुछ है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। और तमाम जो मेरे डीपीआर के टीम मेंबर, इसके अलावा बहुत बड़ा हाथ है मेरी वाइफ का, मेरी 9 मंथ का जो मेरी बेटी है अविका, उसका, उसकी आशीर्वाद, उसकी दुआ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे धर्मपत्नी जो मेरे मुझे बैक सपोर्ट करते हैं, मेरे हर वक्त मेरे सपोर्ट करता है, मेरे ब्रदर मिलन जाना, मेरे वाइफ अंकिता जाना, माई लवली डॉटर अविका। इसके अलावा जो मेरे भाई है मिलन जाना, बैरू जैन, उन तमाम सभी को मैं नमन करता हूँ सर झुका के। सबसे बड़ा सबको प्रणाम मीडिया पर्सन कल्याण जी के, आपको भी थैंक यू यार दोस्त। और कमल जी ने बोला था, कमल कांत ने बोला, इतनी अच्छी टैलेंट आदमी और कल्याण जी इतनी अच्छी सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पूरा दुनिया सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा गर्म अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा तरफ से क्या हुआ चीज़ हो सकता है, हम तो कुछ भी नहीं, एक हवा है। जिसे एक चीज़ अच्छा चीज़ पड़ा था, जिसके घर पे दिया नहीं चल रहा है उसके घर पे दिया चलना बहुत अच्छी बात है। इस टाइम की इस दुनिया में कोरोना की वजह से सब चीज़ की जो प्रॉब्लम हो जाए, जिस जिस तकलीफ में जो जी रहे हैं उनके लिए अगल बगल वाला थोड़ा वो सपोर्ट देगा, शुक्रिया अदा इंसान की होता है, ऊपर वाला ईश्वर परवाह करता है। सब अपने तरफ से बात है कि कल्याण जी जाना के लास्ट इवेंट में भी मैंने यही बात बोला था कि आपकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये छोटे बड़े सबको साथ लेके चलते हैं, इनके अंदर भेदभाव नहीं है। दूसरी बात, एक बस छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीते वही है जिनके सपनों में जान होती है, भीड़ से अलग उनकी अलग पहचान होती है, उड़ने के सपने तो हर कोई देखता है मेरे दोस्त, लेकिन आसमान वही छूता है जिसके सपनों में उड़ान है। टेंशन और डरने की कोई बात नहीं, जब भी आपको नर्वस दिखता हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर अच्छे काम के पीछे, मुझे किसी ने बताया है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे 2 तरीके के लोगों देखो, तो उनके धर्म पत्नी वो आपके साथ है, लेकिन दूसरा सक्सेसफुल होने के पीछे आपके पास एक दुश्मन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो बार बार आपके, कभी कहते हैं हम इंडियन आलसी होते हैं, तो हमें जब थोड़ा आराम मिलता हम सो जाते हैं, तो दुश्मन ऐसा इशारा देता है, अब मैं तेरी आग लगा रहा हूँ, भाग तू, तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए जो हमें आग लगाता है, हमें भागने के लिए मजबूर करता है। एक नंबर। और सभी जलने वालों को डीपीआईएफ के जितने भी जलने वाले उनको मैं आज धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जितना जलाओगे, जितना बोलते हैं कि आग जलेगा उतनी तेज हम बढ़ेंगे, और इस दिवाली के पटाखे में आप पैसे फोड़ते रहो, बम धमाका हमारा होगा, बम तुम्हारा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या कहना चाहिए आप? समीर वानखेड़े जी, जिस प्रकार से एनसीबी के द्वारा आज ड्रग्स माफिया को और हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के भाई, हमारे घर की बहन जिस प्रकार से ड्रग्स में लिप्त थे, अगर उजागर हुआ है तो हमारे बिहार के एक शहीद कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद से एनसीबी के द्वारा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि सुशांत सिंह अभी मरा नहीं है, वो सबको एक एक को चिन्हित करके बाहर निकाल रहा है जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं। और आने वाले में दिल में नवाब मलिक साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो समीर वानखड़े को कमजोर नहीं समझे, उनके साथ में पूरे भारत का युवा पीढ़ी है।